वेलकम टू कैम लंपी। कैम लंपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विटिग रिएक्शन। इन विटिग रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड एंड टू फॉर्म अल्किन। दिस रिएक्शन नोन एज अ विटिग रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई मिथिलीन ग्रुप एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ हॉर्न इमोन्स रिएक्शन और विटिग हॉर्न रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के कई सारे नाम होते हैं। अगर हॉर्न इमोन्स रिएक्शन भी कहा जाए तो भी यही रिएक्शन होगी एंड विटिग हॉर्न्स रिएक्शन कहे तभी भी यही रिएक्शन होगी। नेम रिएक्शन की ये वन ऑफ द बेस्ट टाइप है जिसमें हम एल्किन बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में से। तो रिएक्शन देख लेते हैं, उसके ऊपर से हम मैकेनिज्म समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा वैसे ही कि एल्डिहाइड और कीटोन में से हमें कन्वर्ट करना है एल्किन को, यानी हमें लेना पड़ेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन ही। तो मैंने यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप ले लिया है R1 R डैश, यानी कि दोनों जो अल्काइन है वो अलग अलग है। तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया मैंने। अब उसकी रिएक्शन करेंगे हम PH3 P double bond CH single bond R, यानी कि यहाँ पे R की जगह पे मैंने डबल R डबल डैश लिख दिया क्योंकि यहाँ पे R R डैश R डबल डैश तीनों तीन अलग अलग है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे अलग अलग ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया है। इसका नाम है फॉस्फोरस हैलाइड या हम इसे हम विटिग रिएजेंट भी कह सकते हैं। विटिग रिएजेंट, ये विटिग रिएजेंट बनता कैसे वो हम आगे मैकेनिज्म में देख लेंगे। बट ये विटिग रिएजेंट की अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें से हमें मिलेगा ऐसा कुछ मिलेगा हमें। कीटोन का जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो रिमूव होके मिथिलीन ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा और हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। और ये जो है वो हमारी अल्किन और उसके साथ ही ऐसे कुछ एक एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिलती है और इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फोक्साइड। ठीक है, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फोक्साइड 9 है इसका। तो ऐसे हमें एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है बाय प्रोडक्ट, और हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमें एल्किन मिलती है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म एक्चुअली दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो जो हमारे पास यहाँ पे जो फॉस्फोरस हैलाइड है विटिग रिएजेंट वो बनेगा सबसे पहले। तो वो कैसे बनेगा, तो हमारे पास जो भी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन होगी PPH3 के साथ। यानी कि अगर अल्काइल हैलाइड मेरा ऐसा कुछ है, जैसे यहाँ पे देखा हमने कि अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन होगी PPH3 के साथ। अब यहाँ पे फॉस्फोरस पे एक लॉन पेयर है तो वही लॉन पेयर यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगी और एक्स जो होगा वो बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड PPH3X-। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस एक्चुअली तीन बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे चार हो गए देखो, एक और तीन, ये फर्स्ट थिंग। यानी कि
एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नहीं आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आया। ओके अब क्या होगा कि इसकी रिएक्शन बी यू एल आई के साथ होगी, बी यू एल आई यानी कि ब्यूटाइल लिथियम के साथ होगी। ब्यूटाइल लिथियम के साथ अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिथियम होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला और ये नेगेटिव चार्ज वाला। ओके ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो सी एच माइनस, और ये जो एच है वो बी यू के साथ बॉन्ड बनाएगा यानी कि बी यू एच ऐसा कुछ बनाएगा। देन दूसरी एक रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, ये जो लिथियम है वो हैलोजन को रिमूव करके यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और रिमूव होके एल आई एक्स बनेगा, यानी कि ये दूसरा बन गया और हमारे पास एक्चुअली में आ गया आर सी एच नेगेटिव चार्ज एन पी पी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज। ओके यही इक्विवेलेंट है आर सी एच डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि इसे हम कहेंगे वीटिंग रिएक्शन, वीटिंग रिएजन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होगा वही रिएक्शन करेगा या वीटिंग रिएजन के साथ, यानी कि फॉस्फरस एलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है जैसे कि ऊपर लिया था वैसे ही मैंने एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया है, आर आर डैश वही लेता हूँ अभी, तो उसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं। अब इसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पे ऐसे कुछ मैं लिखूँगा कि आर सी एच पी पी एच थ्री ऐसा लिखा है। ठीक है मैं भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में लिखूँगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखूँगा। अगर डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बट सिंगल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा तभी वो वीटिंग रिएजन कहाँ जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अब उसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे और जो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आर आर डैस। यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, ये सिंगल बॉन्ड है, अब उसकी ऑक्सीजन के साथ पी पी एच थ्री जुड़ा है, ऐसा कुछ पी पी एच थ्री ऐसा जुड़ा है पी एच थ्री के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन है एक, हाइड्रोजन है इस तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके साथ यहाँ पे आर है, यानी कि आर डबल डैश में लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले। ओके अब ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया है, ऐसा कुछ साइक्लिक कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि टी एस लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ऐसा कुछ हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अब होगा क्या, इसी में जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, यहाँ से ये जाएगा सीधा इस तरफ और ये जाएगा सीधा इस तरफ। ठीक है यानी कि अब हमारे जब हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी ऐसे कुछ होगी, यहाँ से देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया यानी कि ये तो अलग हो गया। ठीक है यहाँ से
एक सिंगल बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन, ये दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बना यानी कि डबल बॉन्ड बन गया, और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है यानी कि आर डबल डैश, ऐसे कुछ हमारे पास प्रोडक्ट आई। एंड उसके साथ साथ दूसरा क्या हमें मिला, ये वाला, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया यानी कि PH3P, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तो था ही था, उसके साथ दूसरा डबल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बना यानी कि ऐसा कुछ बना। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारी अल्किन है, अल्किन्स। और ये मैं जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही कि ये हमारी है ट्राई फिनाइल फॉस्फोक्साइड, ठीक है, ऐसे कुछ हमें बाय प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ये हुई हमारी मैकेनिज्म, आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। तो चलो एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके ऊपर से हमें इजीली पता चल जाएगा एक्चुअली रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से हम कैसे अल्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन दैट मीन्स यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड ओ, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है नॉन। अगर इसकी रिएक्शन में जैसे मैंने पहले कहा वैसे कि विटिग रिएजेंट के साथ अगर मैं करवाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो विटिग रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये वाला है, तो उसमें आर की जगह पे मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली था क्या, सी एच था, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे PCH3 यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, वो तो है ही है। अब ये जो हमारा वेटिंग रिएजेंट है उसके साथ अगर रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ से जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड बनेगा, दूसरा यहाँ पे फिर से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो होगा क्या, तो यहाँ से PCH3 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे उसके साथ सी एक एच दूसरा एच ऐसे है, और ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया था उसकी PPS3 के साथ यानी कि विटिग रिएक्शन के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो साइक्लिक ट्रांजेक्शन ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। देन उसके बाद होगा क्या, यहाँ से जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वो ट्रांसफर होगा इस तरफ यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वैसे ही यहाँ पे फॉस्फोरस और कार्बन के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ट्रांसफर होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और हमें जो एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे तो साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट ही है, यहाँ से ऑक्सीजन था वो निकल गया, और ये जो कार्बन है कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड तो था ये ट्रांसफर होकर दूसरा गया यानी कि डबल बॉन्ड हो गया, और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी कि मिथिलिन ग्रुप तो प्रेजेंट ही है, तो ऐसे कुछ मिथिलिन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इसका नाम होगा मिथिलिन साइक्लोहेक्सेन, और उसके साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हमें देखने को क्या मिलती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ और फॉस्फोरस ये दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, बट यहाँ पे जो एक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक होके कन्वर्ट होके यहाँ पे गया, ट्रांसफर होके फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में गया, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक तो हो ही गया है, तो हमें PS3P डबल बॉन्ड O यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था वैसे ही इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फोक्साइड, ऐसे हमें एज अ बाय प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हमें एज अ यह अगर इसका स्ट्रक्चर हमें पता करना है तो ऐसे कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राई फिनाइल
फर्स्ट ऑफ साइड, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और रेटिंग रिएक्शन कैसे हो, रिएक्शन कैसे होती है वो आपको पता चली होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।